ओम नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि मंगलवार विशाखा नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर तेजस्वी स्वाभिमानी बोलने में चतुर मगर सौम्य स्वभाव वाले होते हैं। परंपरावादी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले अच्छे कामों की प्रशंसा करने वाले और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये स्वतंत्र विचारधारा वाले न्यायप्रिय सुसंस्कृत और अभिमान की लड़ाई में कुशल होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र व बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि में ही चलते रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज चंद्रमा और गुरु दोनों एक ही नक्षत्र में एक साथ चल रहे हैं। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। हर काम बहुत आसानी से संपन्न होंगे। आपके दिलो दिमाग में कोमल भावनाओं के लिए जगह बनेगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। आपकी कार्य योजना में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता व संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृष राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों आपके छठवें भाव में विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं। शरीर में स्राव ग्रंथियों जैसे थायराइड या पैंक्रियाज इत्यादि संबंधी गड़बड़ी संभावित है और मन अनावश्यक रूप से भयग्रस्त रहेगा। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं और आर्थिक पक्ष प्रभावित नहीं होगा। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। शिक्षा व संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों को नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। व्यवसाय संबंधी कुछ नई जानकारी हासिल होगी जो कि लाभप्रद रहेगी। आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गज केसरी योग का पूरा फल आपके आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति में रूपांतरित हो जाएगा। आर्थिक लाभ में महिला वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नई योजनाएं को लागू करने का योग चल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनाए रखने के लिए सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता भरा रहेगा। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। रुके हुए काम चालू होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है। भूमि वाहन इत्यादि में निवेश के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। इन सबके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी, विशेष तौर पर कमर व पेट संबंधी समस्याओं के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। गुरु चंद्रमा का योग आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और आपको फल मिलता जाएगा। व्यावसायिक और आर्थिक मामले सामान्यतया अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे मगर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ की स्थिति अनुकूल रहेगी। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। विरोधियों से अनावश्यक भयग्रस्तता बनेगी और मनोबल में कमी संभावित है मगर जनसंपर्क से अनुमानित लाभ मिल सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सहयोगी बना रहेगा। आर्थिक लाभ और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। पेट व कान से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं।
वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। शनि और मंगल का योग दूसरे भाव में प्रभावी है। आपके दांत, मसूड़े, आँख और कंधे के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। आज का दिन अच्छे कामों में खर्च और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर आत्मविश्वास में कमी और संतान संबंधी चिंता संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। परिवारजनों के सहयोग से मन में शांति मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों के ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और क्रमशः हर काम आपके पूरे होते जाएंगे। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और आपके काम सुचारू ढंग से चलते रहेंगे, मगर किसी से उलझना उचित नहीं होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए दिन भर का समय अपनी कार्य योजनाओं में सहयोगियों के साथ व्यस्ततापूर्ण माहौल में बीतेगा। अपनी बैठक का नेतृत्व सफलतापूर्ण ढंग से करेंगे। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं संभावित हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप करने में सक्षम रहेंगे और स्वास्थ्य संबंधी चिंता का माहौल बन सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई और बड़े कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी। अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलता जाएगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक कुतर्क उचित नहीं होगा। पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी और भावनात्मक लगाव बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पेट संबंधी विकार और हड्डी संबंधी दिक्कतें संभावित हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भाग दौड़ वाला बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है, मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। राहु के पंचम भाव में बैठने और चंद्रमा के आठवें भाव में चलने की वजह से बार बार उत्साहहीनता की स्थिति हो जाती है, मगर आपको अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। आने वाले समय में आपकी मेहनत रंग लाएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी रुचि और तारतम्यता बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी नितांत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।